नमस्ते मनोज जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑफ उन्नति. माय नेम इज रमेश स्वामी, आई एम वन ऑफ द फाउंडर डायरेक्टर्स ऑफ उन्नति. एंड मुझे आपसे तब इंट्रोडक्शन हुआ जब आपके बच्चे उन्नति को आए और मुझे पता चला कि हमारे स्टाफ जो है वहाँ पे ट्रेनिंग किए एंड आपके यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं. आपका एक बहुत बड़ा सेंटर है. बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनते हुए एंड आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ. बहुत बड़ी बात है. थैंक यू वेरी मच मनोज जी. एक संक्षेप में आपके बारे में, आपका एजुकेशन जर्नी कैसा रहा, ये आप जो शुरू किए हैं, इतना बड़ा सेटअप किए हैं, आपका क्या रीजन था, क्या मेन उसका कारण था और आपको कैसा लग रहा है कि आप ये जर्नी में 20-30 साल से देख रहे हो, 25 साल आपका ऑलमोस्ट 20 साल तो रख ही लीजिए कि बच्चों का आगे पीछे देखे हो, क्या लग रहा है आपको, कैसे बदलाव हुआ है इस 20 साल में, बोलिए. थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए और आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए रियली थैंक यू आपको. और जर्नी का सर ऐसा है, जब मेरा 16 जुलाई 1998 को मेरा इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया था, तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग था, बाय बर्थ मैं इसी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो एक छोटे से इंस्टीट्यूट से मैंने शुरू किया. और जब कोई भी ये बोलता था कि छिंदवाड़ा में कुछ नहीं होता है, हमको बड़े शहरों में ही सब मिलता है, तो बहुत टीस होता था कि यार ये सही नहीं, अच्छा नहीं लगता है सुन के. तब से मैंने ठान लिया था कि अब इसी जिले में जो कुछ करना है यही करना है. और लोगों का ये थॉट प्रोसेस बदलना है कि छिंदवाड़ा जैसे जिले से भी बहुत कुछ हो सकता है. तो उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने अपना ट्रेनिंग देना शुरू किया. काफी चैलेंजेस थे बच्चों को, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल एरिया आता है, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, तो बच्चों का माइंडसेट है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, पहले तो उसको समझने में हमें टाइम लगा कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है. मतलब एक एग्जांपल है सर, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे दो अलग अलग इंस्टीट्यूट है और मुझे बहुत पसंद है पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ. एक सब्जेक्ट जो मैं अपने सिटी वाले ऑफिस में पढ़ाता हूँ, तो वो बच्चे मेरे बहुत पसंद करते हैं और मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि सर उनका आपका पढ़ाया बहुत अच्छा समझ में आता है. मेरा एक दूसरा कैंपस है, कॉलेज कैंपस है, जो 10 किलोमीटर दूर है, वो विलेज एरिया में है, और उस कैंपस में मेरे लगभग गाँव के ही बच्चे पढ़ते हैं. सेम सब्जेक्ट जब मैंने उसी जगह पे अपने बच्चों को पढ़ाया, तो उन्होंने मेरी प्रिंसिपल मैडम से कंप्लेंट करी कि सर का पढ़ाया बिल्कुल समझ में नहीं आता, बोले टीचर बदल दो. तो मैं बहुत सरप्राइज था कि एक सब्जेक्ट जो मैं सिटी में पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं, विलेज में वही सब्जेक्ट वही पढ़ा रहा हूँ, वही पैटर्न अडॉप्ट किया हो, तो मेरी कंप्लेंट हो रही कि पसंद ही नहीं आता. फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा सर कि बच्चों का माइंडसेट मुझे देखना चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आए हैं वो इतना डाउन था कि उनको मेरा पढ़ाया हुआ वो वर्ड्स ही नहीं समझ पा रहे थे कि मैं बोल क्या रहा हूँ. तो मुझे फिर मुझे अपने आप को रियलाइज करना पड़ा. और किसी एक बार हमारे कॉलेज का इंस्पेक्शन था, तो मुझे उन्होंने बोला कि मेरा पहले ये थॉट था कि बच्चा गलत है. तो जब वो लेडी आई थी इंस्पेक्शन के लिए, तो उन्होंने इंस्पेक्शन के टाइम बोला, ऐसे डिस्कशन हुआ, बच्चा कभी गलत नहीं होता, टीचर को बदलना पड़ता है. सुपर. तो देन मैंने रियलाइज किया कि हाँ मैं गलत हूँ, बच्चे गलत नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से मुझे जाके पढ़ाना पड़ेगा. तो फिर उनके अकॉर्डिंग मैंने अपने पढ़ाना शुरू किया, और फिर लगा कि नहीं, छिंदवाड़ा में भी बहुत नीड है. और मैं थैंक्स बोलता हूँ सर उन्नति को कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, UNXT आपका इतना बढ़िया प्रोग्राम है, जिसकी सीरियसली सब जगह बच्चों को बहुत जरूरत है. आपका प्रोग्राम बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपका प्रोग्राम बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता है, आपका प्रोग्राम बच्चों को मंच पे अपनी बातों को सही तरीके से रखना वो सिखाता है. तो इसीलिए मैं जिस दिन से मुझे ये पता चला, तो मुझे लगा कि ये प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, और हमने इसको पकड़ लिया सर, हम छोड़ नहीं रहे इस प्रोग्राम को. और सीरियसली सीरियसली थैंक यू सर. और बाकी मैं अभी आपके प्रोग्राम की बहुत नीड है सर. जरूर सर, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सी बात बोली कि बच्चों को समझना जरूरी है एंड उनके जरूरतों के हिसाब से हमारे ट्रेनिंग होनी चाहिए. अब
आपको क्या लगता है कि ऐसे जगहों में जहाँ छिंदवाड़ा हो या सिवनी डिस्ट्रिक्ट हो, मैं बहुत बार सुनता हूँ, बहुत बार ये बात आती है कि यहाँ पे इंग्लिश नहीं पता है और बच्चों को इंग्लिश सीखने की इच्छा नहीं है, आप सिखाएंगे इंग्लिश तो वो लोग नहीं सीखेंगे, ऐसे बातें बहुत आती है मेरी सुनने में। आपके तजुर्बे में क्या लगता है कि हम लोग जो थोड़ी बहुत एम्फोसिस सिखाते हैं, इंग्लिश सिखाते हैं, ये उनको अच्छा लगता है, ये उनको पसंद है, ये करना चाहिए हमको या नहीं करना चाहिए, आपको क्या लगता है? सर मैं आपको ना अपना एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैंने छिंदवाड़ा में जब हमने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया तो कहीं ना कहीं मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे पास मैंने हमेशा सर बच्चों की फैसिलिटी को प्रायोरिटी दी। बच्चा जिस इंस्टीट्यूट में जा रहा है वहां बच्चों को कंफर्ट होना चाहिए, फैन होना चाहिए, बैठने की प्रॉपर चेयर होना चाहिए, उसका प्रॉपर कंप्यूटर होना, जो भी चीजें हम एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, तो वो हमने किया। हमने टीचर हमने लाए, टीचर से पढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास पहले ये प्रॉब्लम आता था कि हमारा बच्चा कैंपस में सेलेक्ट ही नहीं होता था। तो मैं टीचर्स को बोलता था कि यार ये क्या हो रहा है भाई, हम सब तो दे रहे हैं फिर हमारा बच्चा सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि सर बच्चे ने एडमिशन लिया लेकिन उसके पास प्रॉब्लम क्या होता था कि उसका बैकग्राउंड, जिस स्कूलिंग से वो आ रहा है, जिस इन्वायरमेंट से आ रहा है, वो वैसा है ही नहीं। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो उसका नहीं। तो सर इसके लिए फिर हमने ना छिंदवाड़ा जिले में एक नॉलेज पॉइंट सेंटर हमने शुरू किया था। हमारे लगभग 55 नॉलेज पॉइंट सेंटर हमने शुरू किए जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस, तीन सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लासेस हम देते थे स्कूल शुरू होने के पहले, स्कूल शुरू होने के बाद। 4 साल मैंने ये प्रोजेक्ट चलाया। सर मुझे याद है कि महिंद्रा का स्पार्क द राइज एक अवार्ड होता था, उस अवार्ड में हमने अप्लाई किया था। हाँ, आपको मिला था। हाँ सर, नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा स्टोरी, आपका क्वेश्चन का आंसर इसमें है सर। जरूर जरूर। इसमें क्या हुआ कि जब मेरा प्रोजेक्ट का हमको फर्स्ट राउंड में गए तो हमारा सेलेक्ट हो गया, सेकंड राउंड में गए हमारा सेलेक्ट हो गया, फाइनल राउंड में जब हमारे गए तो सिर्फ 10 NGO बाकी थे, जिसमें 1800 NGO ने अप्लाई किया था, सबसे टॉप 10 में हम लोग थे। वहां पे जब प्रेजेंटेशन हुआ सारा फाइनल, हमसे बोला था, हमें 5 मिनट का टाइम दिया, 5 मिनट में अपना प्रेजेंटेशन खत्म करना था, हमको ट्रेनिंग भी दी गई, हमने ट्रेनिंग भी ली। जब प्रेजेंटेशन दिया, फाइनल जब अवार्ड देने की बारी आई तो जो होस्ट थे उन्होंने पूछा बताइए किसको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए, तो सभी ने मेरा नाम लिया था सर, नॉलेज पॉइंट को मिलना चाहिए। लेकिन सर यकीन मानिए वो फर्स्ट प्राइज मुझे नहीं, मुझे फोर्थ प्राइज मिला। अब आप यकीन मानिए, उसका रीजन बताता हूँ सर मुझे फोर्थ प्राइज क्यों मिला, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं, मेरी मदर टंग हिंदी है, मैं मदर टंग हिंदी में अपनी फीलिंग्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता था, लेकिन मैंने वहां पे चूंकि जो हमारे ज्यूरी मेंबर थे वो फॉरेनर थे और मैंने इंग्लिश में पूरा प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर ली जो कि मुझे अच्छे से नहीं आती थी, और जिस पर्सन को फर्स्ट प्राइज मिला मैंने अपना प्रेजेंटेशन, मेरे अलावा बाकी 9-8 और जो थे उन्होंने ठीक 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया था सर, लेकिन जिस पर्सन को फर्स्ट प्राइज मिला उसने आधा घंटे प्रेजेंटेशन दिया, शुद्ध हिंदी भाषा में दिया और जितने भी एविजिंग वर्ड वो यूज कर सकता है क्योंकि वो फ्लो में निकल रहे थे उसके, उसने वो भी यूज किए थे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा था इसीलिए, और अपनी चीजों को उसने सही तरीके से डिलीवर किया इसलिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला, और फर्स्ट प्राइज वो लेके चला गया, उसको 25 लाख का कैश प्राइज भी था, ट्रॉफी थी, सर्टिफिकेट था और वो विनर था सर। तो बच्चों को सर हमेशा जिस मदर टंग में वो अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है पहले हमें वो सिखाना चाहिए। राइट, देन इंग्लिश नीड है सर, आज अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है और कॉर्पोरेट लेवल पे बात करना है तो इंग्लिश हमारी नीड हो गई सर, पर हमको बच्चों को पहले कॉन्फिडेंस कर दे कि तुम अपनी भाषा में अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करो और लग रहा है कि तुम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाते हो क्योंकि नीड है इसीलिए, फिर अगर कर पा रहे हो तो देन आपका। आपकी बात मानता हूँ, मतलब आप जो बोल रहे हैं कि अपने मातृभाषा में अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन हो सकता है तो वो जरूरी है, वो करना, वो तो हमको
अभी बाहर से आके हम कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं है, मातृभाषा तो वो लोग को पता है, उनको पता है राइट। मुझे मैंने उनको कॉन्फिडेंस दे दिया बात करने के लिए, मैंने उनको एक थॉट प्रोसेस दे दिया तो बात कर लेंगे। बिल्कुल। हम लोग जो है सोचते हैं कि इंग्लिश इनको बहुत जरूरी है, इनको एक माहौल जो है ग्लोबल माहौल जो बन रहा है आज छिंदवाड़े के, आप बता रहे हैं, आपके बता रहे थे ना आपके भाई जो है वो बेंगलुरु में भी काम कर रहे हैं, अब्रॉड में भी काम कर रहे हैं, तो ये जो है ये ग्लोबल हो गया है एंड ये ग्लोबल हिसाब से एक इंग्लिश थोड़ी बहुत जरूरी पड़ जाती है। हम लोगों का ये सोचना था कि जहां भी जाए यूपी हो मध्य प्रदेश हो इंग्लिश भी सिखाना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बच्चों की साइड से आपको कैसा लगता है, ये कैसे देखते हैं इस क्लास को, उनको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं करना है, ये एक अलग तरीके से मैं पूछ रहा हूँ आपको। सर उसके लिए अभी मैंने आपको एक अच्छा बताता हूँ, अभी हमारे ईसीएस ऑफ में लगभग 30 बच्चे अभी हमारे सेलेक्ट हुए और अभी कंपनी का 10 ईयर सेलिब्रेशन बेंगलुरु में था, 5-स्टार रिसोर्ट में था। हमारे कई बच्चे जो बहुत ही पुअर मतलब बिलो एवरेज फैमिली के थे, बिलोंग करते थे, पर वो उनकी जॉब लगी तो उनको फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का चांस मिला, 5-स्टार रिसोर्ट में वो वहां गए, तो वो उनकी लाइफ का एक अलग एक्सपीरियंस था। वहां गए, सब चीजें हुई, तो मेरी जो फाउंडर है उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला जो मुझे बहुत अंदर तक फील किया। उन्होंने ये बोला कि आपके छिंदवाड़ा के जो बच्चे हैं परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे सारे बच्चों का सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हम इनको फॉरेन नहीं भेज सकते क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती। तो सर अब ये तो बच्चों पर डिपेंड करता है, यदि उसका ड्रीम बिग है तो उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना सीखना पड़ेगा, जो आपका प्रोग्राम उसमें हेल्प करता है। बच्चों को लगता है कि नहीं मैं छिंदवाड़ा जैसे छोटे शहर में रहकर अपनी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ, इच्छो के भाई आप अपनी हिंदी में बात करो, जैसे रहना वैसे रहो, आगे बढ़ना है, कॉर्पोरेट लेवल पे जाना है, लोगों के बीच में आपको अपने अपने आपको प्रॉपर प्रेजेंट करना है, तो फिर आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, क्योंकि हम लोग जब सिखाते हैं इंग्लिश यही सोचते हैं कि ये बच्चा जो है पूरे दुनिया में जा सकता है, वो एक बात है। दूसरा एक बात मैं पूछता हूँ आपके, आपका इतना तजुर्बा है, आपको क्या लगता है कि अगर एक बच्चा इंग्लिश जानता हो वो अगर उसमें इतना ये इंस्पिरेशन होगा कि वो बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज बहुत सारे टाइम में मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है बाहर नहीं जाना चाहते हैं, अगर छिंदवाड़ा में है तो उनको छिंदवाड़ा में रहना पसंद है, वहीं पे आसपास में रहना पसंद है, वो नहीं जाना चाहते हैं बेंगलुरु को या वो नहीं जाना चाहते हैं चेन्नई को, और आप पूछोगे तो बोलेंगे कि नहीं यहीं पे ठीक है। आपको क्या लगता है ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश नहीं आती होगी या ये कुछ इसके कारण भी थोड़ा कम रहना चाहते हैं, उनको डर लगता है कि वहां जाएंगे तो हम कैसे माहौल में रहेंगे, वो माहौल अलग है, वो भी डर होता है, उसके कारण भी होता होगा। सर डेफिनेटली एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है लाइफ में, जो आगे बढ़ना चाहता है वो तभी आगे बढ़ पाएगा जब उसके पास नॉलेज सही है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज आती है कम्युनिकेशन स्किल। मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन मैं कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा हूं तो भी मैं आगे नहीं बढ़ पा। जैसे सर जब मुझे वो बोला गया कि हम आपके बच्चों को फॉरेन नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि उनका कम्युनिकेशन नहीं है। तो डेफिनेटली सर मैं तो चाहूंगा, उन्नति से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी हमारे जो 30 बच्चे वहां पे प्लेस्ड हो चुके हैं, जो अच्छा जॉब कर रहे हैं, सैलरी बहुत अच्छी मिल गई है, वो भी आगे बढ़ाए। मैंने उनसे बात हुई, मैंने उनको बोला ये बात कि देखो आप इसलिए नहीं जा पा रहे फॉरेन, आज हमें 8 कंट्री में जरूरत है, अभी इवन लंदन में भी हमारा ऑफिस है सर उसका, ब्रदर का मेरा, तो वहां उनको चाहिए, मैन पावर चाहिए, अजरबैजान में उनको चाहिए, साउथ अफ्रीका अंगोला में उनको चाहिए, इनसे बोला मैंने जाओ, तो बोले सर हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हम तो बात ही नहीं। तो मैं तो चाहूंगा सर अगर आप स्पेशल हमारे उन 30 बच्चों के लिए ऐसा कुछ बैच शुरू करेंगे तो डेफिनेटली सर जरूर करेंगे, नो प्रॉब्लम।
इंग्लिश नीड है सर, इंग्लिश बहुत नीड है, आपका कम्युनिकेशन स्किल का बहुत नीड है और आपके प्रोग्राम की मैं फिर से कहूंगा सर रियली में बहुत नीड है, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, आगे बढ़ने में उनको बहुत मदद कर। हमारे जो बच्चे हुए थे उनको उनको भी नौकरी वगैरह मिला, उनको क्या फायदा हुआ इस प्रोग्राम के? आपने तो बोल दिया कि फायदा हुआ, बट कैसे जॉब में तब्दीली हुई, क्या हुआ, उसका कुछ बोल सकते हैं आप? जी सर बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर। आपका जैसे 30 से 35 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है यूनेक्सटी, तो जब इसका मॉड्यूल मैंने देखा, मैंने सबसे पहले आपके मॉड्यूल्स ही बुलाए थे, उसको एक-एक डे वाइज शेड्यूल को मैंने चेक किया। सबसे अच्छा आपका प्रोग्राम है, अपना डे वाइज मेंशन कर रखा है हम किस दिन क्या सिखाने वाले हैं। बच्चों को ये पहले से दे देते हैं हम लोग हाथ में कि भैया ये पढ़ाने वाले। तो कई बच्चे ऐसे तो जो आगे से पढ़ के खुद से कोशिश करते हैं, तो पहली चीज तो ये फायदा था। दूसरी बात, हम लोग उसको मॉनिटर करते थे सर कि हम लोगों ने देखे कि बच्चा इसको कितना बेनिफिट ले पा रहा है। जब कोर्स कंप्लीट हुआ तो हम उसका कोर्स कमेंसमेंट प्रोग्राम हम रखते हैं, फिर बच्चों को एक एक बुला के उनसे बात कराते हैं, तो हमको ये समझ में आया कि बच्चा इसका बेनिफिट ले रहा था। हमारे पास में सर वैकेंसीज बहुत थी, जैसे मैं बताया आपको कि TCS का यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हमने यहाँ पे करा, 800 बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी, HCL का टेक बी प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी, बच्चे नहीं थे क्योंकि वो कम्युनिकेशन में फेल हो जा रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, जब देखा बच्चा अच्छा सीख पा रहा है, फिर दोबारा हमने कैंपस ड्राइव करना शुरू कर दिया। और अभी आपके ज्यादातर बच्चे जो है इसके साथ US रिक्रूटर के लिए है, तो US का प्रोग्राम मतलब US वहाँ इंग्लिश में बात करना होता है, नाइट शिफ्ट होती है, तो हमारे बच्चे ज्यादातर उसमें जाने लगे। कल भी हमने उनके लिए 3 नई पोस्ट आई है US रिक्रूटर के लिए, तो बच्चा उसमें हमारा सीधा प्लेस हो जा रहा है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस आ गया है, वो इंग्लिश में बात कर पा रहा है। इंदौर की जो कंपनी है वो प्रिफर करेगी हमको यही बच्चे चाहिए। हाँ, अभी सर आपको जस्ट मैं बता दूं, 4 बजे हमारे अभी इंटरव्यू है, प्रोसेस शेड्यूल है HDFC बैंक के लिए। अभी हमारे वो जितने भी 29 के बच्चे थे सारे ही अभी वहाँ पे इंटरव्यू देने गए हैं, और अगर वो सब मुझे उम्मीद है कि उसमें भी हमारे बच्चे आज सेलेक्ट हो जाए। तो अच्छा है सर, यूनेक्सटी प्रोग्राम बहुत अच्छा है सर। वेरी गुड, नहीं बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, बिकॉज मैं ये प्रोग्राम इसलिए मैं कर रहा हूँ, पॉडकास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि बहुत लोग सुने इसके बारे में। मुझे आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं उनके संपर्क में नहीं हूं, यहां बैठा हूं, लेकिन आप लोग संपर्क में हो, आप बहुत सारे सालों से ही काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीख सकता हूं, मैं सीख के और अच्छा कर सकता हूं और बढ़िया कर सकता हूं, वो ही मेरा इंटेंशन था। तो थैंक यू सो मच सर, आप एनी सजेशंस आप चाहते हैं कुछ भी बताएंगे, जो भी आपको मतलब लगता है कि बच्चों के लिए भी युवकों के लिए भी आपका कुछ मैसेज होगा, हमारे लिए मैसेज होगा, दोनों तरीके से जरूर बताइए सर। आपको फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़ा सेंटेंस है कि आप अभी भी सीखना चाहते हैं, और डेफिनेटली जो पर्सन सीखता है वो हमेशा आगे सोसाइटी के लिए बेहतर करता है सर। मतलब आपने बहुत बड़ी बात बोली कि आप सीख रहे हो, है ना। तो डेफिनेटली सर सबके सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, अगर हम उसको उससे पता करें तो कंपनी के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बच्चों के लिए डेफिनेट। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, हमारे 8 बैच ऑलमोस्ट हो चुके हैं, अगर आप कभी भी टाइम दे सकते हो तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा कि आप छिंदवाड़ा आइए, उन बच्चों से मिलिए, उनको हमने बेहतर इनवाइट करने की कोशिश करी है। आप डायरेक्ट उन बच्चों से मिलेंगे तो आपको भी पता चलेगा सर कि हम लोग कितनी मेहनत उन बच्चों के पीछे कर रहे हैं ताकि उनका करियर बन सके। आज बहुत जरूरत है सर इस देश में एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमने सर कभी भी एक और चीज हमेशा रखा है, ऐसा नहीं है कि सोनी कंप्यूटर एजुकेशन अगर कोई जॉब आती तो वो सिर्फ छिंदवाड़ा में सोनी कंप्यूटर के बच्चों के लिए होता, ऐसा नहीं होता सर, हमेशा ओपन प्लेटफॉर्म होता है। ECS ऑफ कंपनी हो, TCS हो, या HCL हो, या अदर कोई भी कंपनी होती है, जब भी कोई भी वैकेंसी आई है तो वो ओपन रही है सर, क्लोज कैंपस हमने आज तक कभी नहीं किया। हम चाहते हैं जो डिजर्व करता है वो जाए, वो नौकरी ले जाए। अगर हमारे बच्चों ने नहीं किया तो उसको हम बोलते हैं कि भैया देखो उसने ले लिया, आपने क्यों नहीं किया, आप में ये कमी है, इसको ठीक करो, हम हेल्प करें। तो नहीं। तो सर, आपके इतने सारे लिंकेज होंगे सर,
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके तरफ से भी जितने भी, हालांकि अभी मुझे पता चला था, आपने कल मुझे बताया था रेलवे का आप कुछ कर रहे हैं उसका, तो वो ओपन प्लेटफॉर्म पे हो सर बच्चों के लिए, ताकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हो आप उनको ट्रेनिंग देते हैं एड ऑन, अगर जो बच्चा आपको लग रहा काबिल है तो आप उसको ट्रेन करके भी उसके लिए तैयार करिए, तो ओपन कोई प्लेटफॉर्म पे जरूर लाइए तो सर। हमारे सब ऐसी है सर, हम करते हैं, कोई भी आ सकता है। ट्रेनिंग लेने के बाद हम उनको नौकरी गारंटी दिलाते हैं। छिंदवाड़ा में हाँ बहुत सारे ITI पॉलिटेक्निक वगैरह कॉलेजेस में किए हैं, जी एंड सर, आपको खुशी होगी पता रखने में कि हमने अभी एक पोर्टल बनाया है उद्योगम बोल के, वो जी सर, जी अभी रिलीज हो गया है, सब आपके बच्चे भी उसमें हैं, एंड हम जो है ये बड़े बड़े कंपनियों के साथ में शेयर कर रहे हैं। तो कंपनीज जो है डायरेक्ट हायरिंग करेंगे इस उद्योगम में। आगे चलकर दो चीजें ऐड हो रही है, एक है साइकोमेट्रिक एनालिसिस, उनके स्वॉट एनालिसिस आएंगे। अगर आप ये टेस्ट बाहर जाके करेंगे तो करीब करीब 2000 से कम में होगा नहीं, मतलब हाँ ये सर, फ्री आइडिया में है, दे रहे हैं, नंबर वन। मुझे आइडिया है जी। दूसरी बात, उद्योगम जो है उसमें रेज्यूमे, वीडियो रेज्यूमे सब कुछ है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत फायदेमंद होंगे, और इसके कारण जो है बच्चों को बहुत सारे मोर बच्चों को नौकरी मिलेगा। तो मैं मतलब ये सब कर रहे हैं, हम लोग साथ में काम करेंगे सर। जी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन माफ कीजिएगा जहां भी मैं गलती हुआ होगा, बट मेरा ये था कि आप लोग आए, हमसे बात करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डेफिनेटली सर, थैंक यू, आएंगे, छिंदवाड़ा जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, जरूर मैं आपका इंतजार करूंगा। थैंक यू सर, और आपकी हिंदी अच्छी है सर, हिंदी अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। थैंक यू।